उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की आपने इस तरह प्रयास किए सदन सबकी सहमति से चलता है मैंने भी ये प्रयास किया सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दल के फ्लोर नेताओं ने सभी दल के मान्य सांसदों ने संसद की कार्रवाई ठीक से चले संसद जनता के प्रति जवाब ही रहे लोकतंत्र के इस मंदिर में सार्थक वाद विवाद चर्चा हो लोकतंत्र में सहमति असहमति का अपना महत्व है लेकिन संसद में चर्चा होना चाहिए इस पर सभी दल सहमत थे मैंने सबके सहयोग से संसद की कार्रवाई को चलाने का प्रयास किया जी सी तो ए जैसे बहुत ही विवादित बिल भी इस सेशन में पास हुए हैं बहुत उस पर बहस हुई काफी झगड़े हुए प्रोटेस्ट हुए वॉकआउट हुआ आज ये देखा जा रहा है कि और इस पर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा कि जिस तरह सीए के एक बार दोनों हाउसेज में पास होने के बाद कानून बनने के बाद जितनी न्यायिक प्रक्रियाएं जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रियाएं सब कुछ होने के बाद अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ सेक्शंस इसके विरोध करते हैं आप इसे किस रूप में देखते हैं बीइंग द स्पीकर कोई भी विधेयक जो सरकार लाती है वो विधेयक सरकार लाने के पहले पुरस्थापित होता है फिर पुरस्थापित के समय उसकी बहस होती है और जब विधेयक पारित होने के लिए आता है जब भी डिबेट होती है मैं क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष हूं इसलिए जो भी सरकार बिल लेकर आई है उस पर संवाद हो चर्चा हो सहमति असहमति भी हो विरोध भी हो लेकिन सदन में चर्चा हो जितने भी मैं किसी भी विधेयक को ये नहीं कह सकता कि वह विवादास्पद था या चर्चा का विषय था कोई बिल विवादास्पद नहीं होता जो भी बिल सरकार लाती है उस बिल को सदन में चर्चा करना साल तक डिबेट करना यह मेरा दायित्व होता है और जिन कभी जिन कभी बिलों की आप चर्चा भी कर रहे हैं वो सभी विधेयकों पर सदन में चर्चा हुई वाद-वाद हुआ संवाद हुआ कोई भी विधेयक ऐसा नहीं रहा जिसको हंगामे में पारित किया गया हो या सहमति असहमति नहीं हुई हो समय सहमति असहमति भी थी मत विभाजन भी था और मत विभाजन के बाद जो मतों की गिनती के अनुसार लोकतंत्र में होता है जिस उस हिसाब से विधेयक पारित हुआ और वह कानून की माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बनता है बट सर इसमें सवाल ही उठता है क्योंकि विपक्षी दल भी हैं पक्ष भी हैं लेकिन जब कुछ राजनीतिक दल कानून के पास होने के बाद विधेयक के पास होने के बाद सदन के बाहर जाकर इसका विरोध करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम पर ही सवाल उठ जाता है क्योंकि आप इस प्रोसेस के भाग रहे जैसे अपने काम मत विवाद जि जितना भी करना था डिविजन सब कुछ हुआ सारी प्रक्रिया पूरी हुई और इसके बावजूद बाहर जाके विरोध करना ये कितना उचित आप मानते हैं मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में बाहर लोकतंत्र पर चर्चा करना किसी विधेयक पर चर्चा करना और संवाद करना और लोकतांत्रिक संस्थाएं या उनका दल का काम है मैं उस पर कोई टिप्पणा टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं ये जरूर कह सकता हूं जिन किसी भी विधेयकों की आप चर्चा कर रहे हैं उन सारी विधेयकों पर संसद के अंदर एक लंबी चर्चा हुई लंबा वाद विवाद हुआ सहमति असहमति भी हुई मत विभाजन भी हुआ लेकिन कोई भी विधेयक किसी हंगामे में या किसी की जल्दबाजी में पारित नहीं हुआ बहुत चर्चा हुई और एक लंबे समय चर्चा करी एक विधेयक पे तो रात को 12 बजे तक चर्चा चली दूसरी पे भी बड़ी लंबी चर्चा करी। और चर्चा का सबको अवसर दिया समय दिया जो संसद में होना चाहिए वो कार्रवाई चली बिल्कुल सर एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल है आज आपने भी खबर देखी होगी केरला के असेंबली ने केरला राज्य की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की है सी e. के विरोध में उनका कहना है कि इसे राज्य में और देश में जो है डिविजन आएंगे वगैरह वगैरह जो भी उनके वजह रही हो बट इसे कैसे आप देखते हैं बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बीइंग अ स्पीकर क्योंकि जब एक कानून और वो भी सिटीजनशिप जो सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट है इस पर जब एक बात एक कानून पास किया जाता है तो स्टेट असेंबली का कहां रोल आता है सर इसमें हमारा एक संघीय ढांचा है विधानसभा लोकसभा सब संस्थाएं अपने लोकतांत्रिक स्वयत्ता अधिकार है संविधान में सबकी मर्यादा दी है संविधान में सबकी लिस्ट ऑफ बिजनेस भी दिया गया है और संविधान में सबकी सीमाएं भी दी गई है उन सीमाओं का उल्लंघन करने का अधिकार किसी का नहीं होता और कोई मानव सीमाओं का उल्लंघन भी करना चाहता है तो संविधान की मर्यादा उनको बांधती है मुझे लगता है कि जो कुछ भी विधानसभा लोकसभा में होता है वो संविधान के दायरे में होना चाहिए नियम प्रक्रिया के तहत होना चाहिए नियम प्रक्रिया के बाहर जाकर किसी भी तरह की बिल पारित करना प्रस्ताव करना ये हमारे संघीय ढांचे में कभी भी उपयुक्त नहीं माना है जी सर आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जहां तक लोअर हाउस में आपने काफी डिसिप्लिन लाने की कोशिश की है इस बार क्या इस पे और सख्ती और उस तरह नए रूल्स लाने की क्या कोई प्रयास करेंगे आप और डेकोरम मेंटेन करने के लिए क्योंकि काफी डिसिप्लिन पे बड़ा इशू पूर्व में भी रह चुका और इस सेशन में भी ये बात सही है कि जब देहरादून के अंदर और उसके पहले दिल्ली के अंदर भी सभी विधानसभा के पीटासीन अधिकारियों की जब बैठक हुई थी उसमें इस बात को लेकर सर्वसम्मति थी कि विधानसभाएं और लोकसभाएं सब में वैधान कम हो व्यवस्थित तरीके से चले चर्चा हो संवाद हो बातचीत हो मुद्दे उठाने का पर्याप्त समय अवसर मिले इसके लिए एक सहमति बन रही है कि हम कोशिश करें अपनी अपनी विधानसभा स्वाय की स्वायत्तता है उनको अपने विधानसभा की नियम प्रक्रिया परंपराएं होती है लोकसभा की अपनी नियम प्रक्रियाएं परंपराएं होती है हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी नियम प्रक्रियाएं बने जिसमें वेदान का हंगामे का कोई स्थान न हो इसमें सभी दल सभी दल के पीठासीन अधिकारी सभी दल की सभी विधानसभा के पीठासीन अधिकारी और पीठासीन अधिकारी सब एक मत हैं हम सभी पीठासीन अधिकारियों ने निर्णय किया है कि हम सभी दलों से अपने अपने विधानसभाओं के अंदर भी चर्चा करेंगे लोकसभा के अंदर भी चर्चा करेंगे सर मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा आपके क्षेत्र के बारे में क्योंकि आप कोटा को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं पूर्व में भी रह चुके हैं एमएलए भी वहां पर रह चुके हैं वहां पे जो 77 सेवन डेथर मौतें हुई हैं इन्फेंट्स की आ, वो बहुत बड़ा इशू हुआ है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप क्या कहेंगे कि इसे कैसे रोका जा सकता था नवजात शिशुओं और बच्चों की के मुद्दे हम सबके लिए चिंता का विषय है क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र है इसलिए मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पर नवजात शिशु बच्चों की मृत्यु न हो क्योंकि चिकित्सा राज्य का विषय रहता है केंद्र समय समय पर उनके जो प्रस्ताव आती है उसके आधार पर सिक्सटी फोर्टी के उस रेशे में सहयोग भी करती है नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी अभी सरकार ने निर्णय किया उसका एग्जीक्यूट भी हुआ है लेकिन जो मातृ शिशु कल्याण केंद्र है जो बच्चों के हॉस्पिटल है उसमें विशेष केयरिंग करने की के आवश्यकता है इसीलिए कोशिश होना चाहिए कि जहां जहां भी मातृ शिशु कल्याण केंद्र है वहां प्रसव सुरक्षित हो और उसके बाद बच्चा सुरक्षित रहे लेकिन कोटा में निश्चित रूप से जिस तरीके से असामायिक मौत हुई ये हमारी चिंता का विषय है मैंने वहाँ भी जाकर चिकित्सों से चर्चा की हॉस्पिटल में चर्चा की आज मैंने केंद्रीय चिकित्सा मंत्री और यहाँ के अधिकारियों से बुलाकर भी चर्चा की और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार जो भी प्रस्ताव हमारे पास भेजेगी इसके लिए केंद्र सरकार की के तरफ से कोई कमी नहीं होगी क्योंकि एक गेप एनालिसिस करने का सब्जेक्ट है कि कितनी भारत सरकार के नॉर्म्स के अनुसार कितने इक्विपमेंट कितने मानव संसाधन है उसकी कमी है उसके बारे में राज्य सरकार को ये मानव संसाधन की कमी पूरी करना चाहिए और जो केंद्र सरकार है जो समय समय पर उस गेप के लिए राज्यों को सहयोग देती रहती है वह दो हजार में दिया था इस बार भी केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी आवश्यकता राज्य सरकार को होगी वो अपने नोम्स भारत सरकार के नोम्स में प्रस्ताव बनाकर भेजें हम उन सभी प्रस्तावों को स्वीकृत करेंगे सर आप राज्य सरकार की बात करें लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं जो राज्य सरकार के एक तरह से हेड हैं उनका कहना है कि इस तरह की मौतें होती रहती हैं तो इस तरह का जो बहुत ही विवादित बयान है कई लोग इसे संवेदनशीलता के तौर पर भी काफी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट मार रहे हैं सरकार को संवेदशील होना चाहिए और सरकार को एक भी मौत की चिंता करना चाहिए सर अभी रिसेंटली में एन की टीम गई थी नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन चा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की टीम गई थी और उनका ये मानना था उनका उन्होंने पाया कि वहाँ पे सुअर घूम रहे हैं स्टाफ की कमी है जो वहाँ पे शीशों में विंडो पेंस नहीं लगे हैं और इस वजह से जो बाहर जो भी वेदर कंडीशन है उसमें बच्चों पे इसका असर पड़ता है क्या हम ये जिम्मेदारी अशोक गहलोत सरकार पर आप ठहराएंगे किस पे हम कि, कि किसको इसके लिए इस तरह की स्थिति के लिए आप दोषी ठहराएंगे देखिए मैं आरोप तो पड़ता की राजनीति नहीं, नहीं पड़ता लेकिन बाल संरक्षण आयोग गया हो या राज्य सरकार की टीम गई हो या कोई भी टीमें जो गई है और उन्होंने जो जो सुझाव दिए हैं जो जो कमियां नजर आई मैंने खुद ने भी देखा है मैंने जो कमियां नजर है राज्य सरकार को भी कहा है केंद्र को भी कहा है उन सभी कमियों को पूरा करना है और क्योंकि चिकित्सा हेल्थ राज्य का विषय होता है इसलिए मैंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वो इस शिशु चिकित्सालय अस्पताल को पूरा प्लान करें उसकी कैसे कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है कैसे नए इक्विपमेंट की आवश्यकता है क्या क्या संसाधन की आवश्यकता है कितने संसाधन की आवश्यकता है उसके प्रस्ताव वो बनाए केंद्र सरकार के चिकित्सा मंत्री और उन अधिकारियों ने कहा कि जो गेप होगा जो भारत सरकार के नॉर्म्स के अनुसार जो कमी होगी उस गैप को करने का काम राज्य सरकार करती है और हम राज्य सरकार जो भी प्रस्ताव भेजेगी जो हमारे मापदंड के अनुसार ये चीजों की आवश्यकता और केंद्र सरकार को करनी है हम उन सभी प्रस्तावों को स्वीकृत करके कार्रवाई तुरंत प्रभाव से करेंगे जी सर इस पे कांग्रेस का ये कहना है कि वो एक साल से सरकार चला रहे हैं लेकिन पिछले 16 साल में से 10 साल बीजेपी पावर में थी तो बीजेपी को भी आ, कहीं ना कहीं इस स्थिति या जो अभी वहां पे स्थिति है जेके जेकेलेन अस्पताल की इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्या कहेंगे आप किस दल की सरकार है कौन सरकार में है ये चर्चा का विषय नहीं है पिछले साल बीजेपी की सरकार थी अब कांग्रेस की सरकार सरकार किसी भी की हो सरकार को संवेदशील होना चाहिए जो उसकी जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए कभी भी किसी भी सरकार को ये तर्क वितर्क देकर कि पिछली बार इतने मोती हुई थी अब इतनी मौत उसकी मौतों के तथ्यात्मक आंकड़ों पर नहीं जाकर हर सरकार को ये कोशिश करना चाहिए कि मैं तो ये प्रयास करूं कि किसी भी नवजात शिशु की या बच्चे की मृत्यु न हो इसके लिए सरकार क्या एक्शन कर सकती है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है हम दलों की सरकारों के आधार पर जाएंगे तो न्याय उचित नहीं करने और आंकड़ों के आधार पर जाएंगे वो न्याय उचित नहीं है मुझे लगता है कि आंकड़ों पे और दलों की सरकार किसकी है सरकार आती रहती जनता जिसको चूंकि सरकार आती रहती है नियमित प्रक्रिया है लेकिन हर सरकार को समेसिल होना चाहिए चिंता करना चाहिए और मैंने कहा कि जो कुछ भी संसदीय क्षेत्र के नाते में सांसद हूं मेरी जिम्मेदारी बनती है जो भी राज्य सरकार सहयोग की आवश्यकता होगी मैं उसके सहयोग के लिए तैयार हूं जी सर एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि वहां की सरकार का यह कहना है कि पिछले छह साल में सबसे कम मौतें हुई हैं पंद्रह सौ तेरह सौ मौतें हुई हैं पूर्व सालों में और इस साल की नंबर टोटल मोर्टेलिटी की नौ है और ये इनका मानना है कि अभी एक्चुअली मोर्टेलिटी कम हुई है तो क्या वाकई में स्थिति ऐसी है? मैं तो कहता हूं कि एक भी मौत क्यों नहीं हो क्यों हो एक भी मौत हम आंकड़ों पर क्यों जाएं? कि पिछले साल कम हुई थी ज्यादा हुई तर्क वितर्क का सवाल नहीं है ना हमारा सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है कि हर नवजात शिशु को हम बचा सकें उसकी मां ने उसको पैदा किया है जी। उसके सपने होते हैं हमारा प्रयास तो होना चाहिए नवजात शिशु हो बच्चा हो उसके लिए स्पेशल केयर करने की के आवश्यकता है जो जो कारण असामायिक मृत्यु के होते हैं उन कारणों की स्टडी करते हुए हमें उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए अगर उपकरण की आवश्यकता है तो उपकरण अवेलेबल कराए जाए जगह के स्थान तो है तो जगह उपलब्ध कराया जाए मानव संसाधन चिकित्सा की आवश्यकता हो चिकित्सा उपलब्ध कराया जाए मैं कहता हूं कि ये प्रयास करने की आवश्यकता है आंकड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है सर इस मुद्दे पे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा चार एमपीस की डेलीगेशन जा रही है कोटा में बीजेपी की तरफ से जो वर्किंग प्रेसिडेंट ने भेजा उनको कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है क्या कहेंगे मैं तो कहता हूं कि राजनीतिकरण किसी विषय का क्या होना है आप मृत्यु हुई चिंता करें सरकार स्वेदशीलता से काम करे संवेदना जनता को दिखना चाहिए और किस तरीके से असामयिक मौतों को हम रोक सकते हैं उसके पुख्ता इंतजाम होने चाहिए सर मैं पार्लियामेंट के इशू पे आना चाहूंगा वापस आ... आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के प्लान्स वगैरह तैयार हो गए हैं एज अ स्पीकर आप कैसे देखते हैं कितनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है क्योंकि एक तरह से एक कुछ कुछ कमेंट्स इस तरह के भी आए हैं कि एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है एक धरोहर है हमारा क्या इसके बाहर हमें संसद को ले जाना चाहिए किस तरह की भी डिबेट चल रही है एज अ स्पीकर आप क्या मानते हैं ये निन्यानवे साल पुराना ही भवन है समय के साथ व्यवस्थाएं बदलिए आधुनिक तंत्र परिवर्तन हुआ है टेक्नोलॉजी परिवर्तन हुई है मुझे लगता है कि नई संसद बनने की आवश्यकता है क्योंकि जो संसद भवन का कक्ष है वो कक्ष छोटा है इसलिए उस कक्ष भी बड़ा होना चाहिए और भविष्य के अंदर सौ साल आगे की कार्य योजना बनाकर पर्याप्त स्थान भी होना चाहिए नई तकनीकी होना चाहिए इसकी आवश्यकता है मुझे लगता है कि ये विवाद का विषय नहीं है ये तो केवल सभी माननीय सांसद चाहते हैं संसद नहीं बननी चाहिए और इसीलिए संसद नए बनाने की कार्रवाई शुरू हो रही है जी सर देश में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के नाम पे भी एक डिबेट हुई थी जब माननीय गृहमंत्री ने बात किया था लेकिन हम देखते हैं संसद में भी हिंदी का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है तो क्या हम ये मान के चलें कि संसद में भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को लाने का कोई प्रयास है ऑफिशियल लैंग्वेज के विषय में लाया संसद के अंदर हिंदी चलती है पूर्व में भी चलती थी अभी भी चलती है हमारे यहाँ पर जो आठवीं अनुसूची में जितनी भाषा है उन सभी भाषाओं के अंदर मान्य सांसद को बोलने का अधिकार है और सभी सांसद अपनी अपनी भाषा में जो है वो विषय रखते हैं संसद के अंदर पर सामान्य रूप से क्योंकि हिंदी ज्यादा बोलचाल में है इसलिए हिंदी का उपयोग होता है लेकिन मान्य सदस्य जिस भी भाषा में बोलना चाहे उसको आठी सूची में जो भी भाषा यहाँ पर गजट में नोटिफाइड है उस पर अपनी बात कहने का अधिकार है वो बात संसद में कहता है हम उसको अलाउ करते हैं जी सर एक आपका बयान आया था जो खबरों में भी था आपने कहा था कि ब्राह्मण्स को हाई पोजीशन दिया जाता है सोसाइटी में उनके त्याग और तपस्या के वजह से और इसलिए वो एक गाइडिंग रोल प्ले करते हैं समाज में उस सम उस रिएक्शन के जो पॉलिटिकल बयान हुए थे उसके बाद क्या आप उस स्टेटमेंट को रिग्रेट करते हैं या उसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे ऐसा है कि हर जाति का सम्मान है समाज में और इस देश के अंदर सभी जातों के सम्मान सब के तो सबके यथोज सम्मान से देश का निर्माण हुआ है हमारे देश में अलग अलग जाति अलग अलग भाषा अलग अलग बोली अलग अलग पहनावा इस देश की विविधता के अंदर एकता है और इसीलिए सभी जातियों का सम्मान है इस देश के अंदर केवल यही जाति श्रेष्ठ या वही जाति श्रेष्ठ मैंने कभी नहीं कहा मैंने कहा सामान्य रूप से सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ है और सभी जातियों का सम्मान इस देश के अंदर है और होना चाहिए तो आप आप मानते हैं कि इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाला गया जिन्होंने कहा कि कास्टिस्ट है और... इस तक वो क्या निकलते हैं मैंने ये कहा है कि सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए और सब जातियां सर्वश्रेष्ठ है जी और जब भी देश का निर्माण हुआ है जी और आज भी यही बोल रहा हूं अब मेरी बात का क्या अर्थ निकालते हैं ये अर्थ निकालने वाले जाने मैंने कभी ये नहीं कहा कि यही जाति श्रेष्ठ है बाकी जाति सर्वश्रेष्ठ नहीं है ऐसा नहीं है जी सर आपसे और मैं सवाल इंपॉर्टेंट पूछना यह चाह रहा था जैसे आपने कहा रूल्स लाने की प्रयास की जा रही है क्या पार्लियामेंट में और रिफॉर्म्स आप लाना चाहेंगे क्योंकि अल्टीमेटली जो तो देश के कानून की बनाने की जो प्रक्रिया है प्रणाली है देश बदलता देश है नए भारत निर्माण के और देश है तो जब बदलता देश में तो पार्लियामेंट संसद में भी संसदीय प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है नियमों में परिवर्तन होना भाई स्वाभाविक है लेकिन संसदीय नियम प्रक्रियाओं के लिए एक समिति बनी हुई है वो समिति चर्चा करती है चर्चा करने के बाद हम उसको हाउस में लाते हैं हाउस में जिसमें सहमति बन जाती है उसको नियम प्रक्रिया के तहत लागू करते हैं लेकिन मेरा मानना है कि हाँ अभी वर्तमान परीक्षा के अंदर कई नियमों के अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है इसलिए वो स, जो समिति है नियम समिति वो चर्चा करेगी डिबेट करेगी और जो सर्वसम्मति बनेगी उसको संसद के लाएंगे और संसद में भी सर्वसम्मति बनती है उसको लागू करेंगे आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी आप क्या प्राथमिकता एक ही है कि देश के अंदर सभी नियमों की प्रक्रियाओं की जो लोकसभा में उसकी समीक्षा होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम और बेहतरीन नियम कानून कैसे बना सकते हैं ताकि सदन की व्यवस्थित कार्रवाई चल सके और इन्हीं पर्टिकुलर रिफॉर्म जो आप फोकस करना चाहें जो आप लाना चाहेंगे जिस पर आपका ध्यान खासतौर पर लगा हो इस वक्त अब रिफॉर्म तो सामान्य रूप से रिफॉर्म हमारे यहाँ सभी दलों से चर्चा करके की जाती है कई विषय ऐसे थे जो सभी दलों से चर्चा की और चर्चा करने के बाद जो सहमति बनी उसको आप संसद में परिवर्तन होते देख रहे हैं मुझे लगता है कि और परिवर्तन करने की आवश्यकता है हमेशा आदमी सोचना चाहिए कि मैं अभाव में अधूरा हूँ मुझे और काम करना और संकल्प पूरे करने मेरा भी ये मत है कि संसद में और परिवर्तन होना चाहिए और उस परिवर्तन के लिए अब संकल्प आगे परिवर्तन लाएंगे उम्र ली हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद